गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो पिछले क्लास का कंटिन्यूएशन है। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने टॉपिक का दिया था, और जो हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस का जो पार्ट कवर कर रहे थे, ये उसका अगला पार्ट है, विच इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से रिलेटेड जितना फॉर्मूला था या जो न्यूमेरिकल्स था, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो होने वाला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या फिर हम जिसको कहते हैं सुरक्षा का मापदंड। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सुरक्षा का मापदंड। MOS से भी इसको डिनोट करते हैं। सुरक्षा का मापदंड, तो जैसे पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था ना, हर एक बिजनेस हाउस, ठीक है, हर एक बिजनेस हाउस क्या चाहता है, वो चाहता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, हर एक बिजनेस हाउस, जो भी, चाहे आप एक छोटे से छोटा बिजनेस करें कम से कम पूंजी का, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ, या फिर आप बड़े से बड़ा बिजनेस करें, बहुत एक हाई लेवल का लार्ज स्केल का बिजनेस करें, मेन जो मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो जैसे पिछले क्लास में मैं एग्जांपल दे रही थी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स की क्या एक मेंटालिटी होती है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो आप ये चाहते हैं कि भाई पास मार्क्स कितना है। मानिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, PGT का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, PGT कॉमर्स का ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मानिए आप उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप एक मन में आपको एक वो चीज़ चाहिए कि भाई क्या है पास मार्क्स, ठीक है, कि मिनिमम हमको कितना लाना है। तो जब आपको वो पता चल जाता है, मानिए कोई बोलता है कि 40% है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो अब आप ये माइंडसेट बना लेते हैं अपना कि नहीं, हमको तो कुछ भी करके 40 से ऊपर लाना है, क्योंकि आपको वो लाइन, थिन लाइन पता चल गई कि अगर हम 40 से नीचे लाते हैं आई एम गोना फेल, ठीक है, और अगर हम 40 से ऊपर लाते हैं तो ऑब्वियसली हम पास होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग पिछले क्लास में क्या है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता था, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन बिंदु वो पॉइंट था जहां पे बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि आपकी जितनी भी सीमांत लागत थी, मार्जिनल कॉस्ट, उतना ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया है, यानी कि सीमांत राजस्व जो भी आपका है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाए, तो ना ही आप प्रॉफिट में होते हैं ना ही आप लॉस में होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते थे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो पिछले क्लास में एक सवाल भी हम लोग बना रहे थे ब्रेक इवन पॉइंट का, और उस सवाल में हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया था तो हमारा जो आंसर आया था दैट वॉज 2500 यूनिट्स। ठीक है, थोड़ा सा उस सवाल को रिवाइज करेंगे, तो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने निकाला था इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस हो चुका है, तो उसमें ये आया था हम लोगों का कि भाई अगर वो बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस हाउस जिसके सवाल हम लोग बना रहे थे, ठीक है, कि अगर वो बिजनेस हाउस 2500 यूनिट सेल करता है तो ये उसका ब्रेक इवन क्वांटिटी है, मतलब अगर इतनी क्वांटिटी वो उस पर्टिकुलर गुड्स की सेल करता है तो उसको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। मतलब उस बिजनेस हाउस को कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल गया कि अगर हमको प्रॉफिट कमाना है तो हमको 2500 यानी कि 2500 यूनिट से ज़्यादा बेचना होगा, उससे हम जितना ऊपर जाएंगे मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए उतने फ़ायदे की चीज़ होगी। ठीक है, तो अब मानिए क्या होता है ना कि कोई बिजनेस हाउस जो है वो बेचता है 3000 यूनिट्स। ठीक है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट से यानी इस रिस्क पॉइंट से कितने यूनिट्स दूर है, 500 यूनिट्स दूर है। तो ये जो 500 यूनिट्स है ना, जो कि डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल और ब्रेक इवन, ठीक है, या इसको कहीं कहीं स्टैंडर्ड लिखा हुआ होता है जो भी, तो इसका जो डिफरेंस है ना 500 यूनिट्स का, इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, सुरक्षा का मापदंड, मतलब आप कितने यूनिट उससे ऊपर कर रहे हैं वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि अगर आप 3000 से 500 यूनिट कम सेल करते हैं, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप क्रॉस कर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि 40% एग्जामिनेशन में जो है वो पासिंग मार्क्स है, और कोई जो स्टूडेंट है वो 43
लेके आता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्कूल में ऐसा डिस्कशन करते थे ना कि अरे यार 3 नंबर से बच गए, मतलब अगर हम 3 नंबर कम लाते या 4 नंबर हम कम लाते, 39 लाते तो हम फेल हो जाते, ठीक है। तो वहाँ पे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो 3 या 4 मार्क्स है। उसी तरह यहाँ पे बिजनेस के टर्म्स में आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, दैट इज 500 यूनिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कुछ नहीं है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली आप जितना सेल करते हो और आपका जो भी ब्रेक इवन पॉइंट है या जो भी आपका एक स्टैंडर्ड आपने ब्रेक इवन पे सेट किया है जितने यूनिट्स का, अगर ब्रेक इवन यूनिट में निकाल रहे हैं तो रुपीज में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है रुपीज में आया था 62,500। मतलब अगर आप उतने रुपए की सेल करते हैं तो आप इस कंडीशन में है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो उससे ज्यादा आप जितना भी सेल कर लें, ठीक है, मानिए कोई 70,000 कर रहा है तो इस केस में उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी 70,000 माइनस 62,500 विच इज इक्वल टू 7,500। उतने मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब उतने में आप खेल लो ऊपर नीचे, लेकिन अगर आप उससे कम आते हो यानी कि आप 62,500 से नीचे आते हो तो आप जो है वो लॉस की कंडीशन में चले जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का अलग अलग फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे। फिर हम एक दो तीन जो है वो एग्जाम्पल बनाएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड, और फिर ये जो हम लोगों का टॉपिक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नोट्स थोड़े से हम लिखेंगे, लिखिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और बजटेड सेल्स, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और बजटेड सेल्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल और बजटेड सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स, जो कि अभी हम बता रहे थे विद एग्जाम्पल, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और बजटेड सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स इज नोन एज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जो भी आपका ब्रेक इवन बिंदु है, जो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, उससे ऊपर आप जितना सेल करते हैं, अगर आप यूनिट्स में कैलकुलेट यानी इकाई के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस सेंस में, अगर आप रुपए में यानी कि रुपीज अमाउंट के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस सेंस में, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग बॉक्स बना के, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ये फार्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, एक फार्मूला है, और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं इस चैप्टर में, जैसे कि हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है। क्या बताया था, ये जो भी है ना इसका ये कॉन्सेप्ट एक बार इसको उतार लीजिए, ओके। तो ये आपका जो भी है, ठीक है, इसको कॉपी करिए और आगे हम लोग लिखेंगे। ये पहला फार्मूला है, जैसे कि हम बता रहे थे ना, ये जो चैप्टर है आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसमें एक ही चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उसी तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी, ठीक है, फार्मूला जो है वो अलग अलग तरह का है, और आप एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली MCQ आएगा, लेकिन अगर आपसे इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं PGT के आपके एग्जाम में, तो आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जज करेंगे कि भाई हम ये फॉर्मूला लगाएंगे या ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आगे लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट बाय विच सेल्स रेवेन्यू कैन फॉल बिफोर अ लॉस इज इनकर्ड, sales revenue can fall before a loss can या a loss is incurred, मतलब ये उस अमाउंट को, ये उस क्वांटिटी को बताता है, ठीक है, कि लॉस और
आप जितना जिस पॉइंट पे आप हैं उस पॉइंट से अगर आप लॉस के पॉइंट पे आते हैं ना, तो वो कितना यूनिट है जो बढ़ेगा घटेगा। जैसे वहां पे हम एग्जांपल बता रहे थे कि अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है दैट इज 2500 यूनिट और आप अभी सेल कर रहे हैं 3000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 500 यूनिट है। मतलब बताता है कि अगर आपकी सेल्स 500 यूनिट कम हो गई तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, मतलब आपको ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये लाइन इसका मतलब है। स्टॉप एज एट ब्रेक इवन पॉइंट, एज एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस कॉमा सेल्स बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, represents margin of safety because any sales above the break-even point will give some profit, because any sales above the break-even point will give some profit. ठीक है, तो example में आप Obviously, ये बोर्ड वर्क मैंने बोला था, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि भाई ब्रेक इवन एनालिसिस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो क्या है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम क्या समझते हैं। अभी हम लिखेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ठीक है, वो किस लिए पढ़ रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये हम कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि भाई एग्जाम तो मेरा एमसीक्यू में होता है, इतने डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं ना वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, अब मानिए हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस के चार पॉइंट पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है विच वन इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये सारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इम्पोर्टेंस हैं, तभी आप उस क्वेश्चन को देख के प्रॉपरली जज कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एमसीक्यू एग्जाम हो, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, नेट का हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन एट वन ग्लांस जब हम देखते हैं तो लगता है कि अरे चार ऑप्शन है कर लेंगे, लेकिन वो कहने को सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप डिटेल में करते हैं। ठीक है, और पिक एंड चूज नहीं करते, ये पढ़ते ये छोड़ देते हैं। तो जब आप एक बार ही डिटेल में पढ़ के इस तरह के एग्जाम्स में अपियर होते हैं तो फिर कोई गुंजाइश कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि कोई सवाल ऐसा होगा जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे चांसेस आपके बनते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेते हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिटन इन द बुक्स, कि हम बुक से पढ़ के आपको ये लेक्चर दे रहे हैं, दिस इज समथिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो भी चीज़ है ना, पूरा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके आप एग्जाम में जाइए उस पर्टिकुलर टॉपिक का, सिलेबस का, ताकि वो क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट एंड टर्न करके आपसे पूछे, ठीक है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत कॉन्क्रीट है, आप समझ चुके हैं उस चीज़ को, आपके लिए सवाल बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अभी लिखते हैं एक एक करके। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी और उसको एक्सप्लेन करते हैं। So the first significance of margin of safety, second, third, fourth. The first significant is, ठीक है, margin of safety जो है वो help करता है in maintaining the level of production, या deciding level of production. Level of production. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। मानिए जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि 2500 यूनिट, आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप कमाना तो हर कोई अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहता है, लेकिन एज अ बिजनेस हाउस आपकी क्या कैपेसिटी है, आप अपना प्रोडक्शन कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, आपका बिजनेस करने का स्केल क्या है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, रॉ मटेरियल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रॉफिट तो हम बोल देंगे कि हम 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम ग्रॉसरी शॉप चलाते हैं तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा स्केल नहीं है बिजनेस का। तो आप प्रोडक्शन लेवल जज कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे अपने रिसोर्सेज को देखते हुए कि हाँ हम अपने प्रोडक्शन को यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, पहली सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो और दूसरा है, जैसे हम बोले कि प्रोडक्शन, ठीक है,
और उसी तरह सेल्स, ठीक है, क्योंकि जब आप सेल करते हैं, सामान बेचते हैं, तो आपको पता है कि आप 2500 यूनिट बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। आप कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपने सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, बढ़ाना चाहेंगे। उसके लिए आपको जो भी करना हो, प्रमोशन करना हो, एडवर्टाइजमेंट करना हो, ठीक है, प्राइस स्ट्रैटेजी में कोई चेंज करना हो, ठीक है, वो अलग अलग बिजनेस का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। और इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं बिजनेस की स्ट्रेंथ का पता चलता है, स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ना हम बिजनेस की स्ट्रेंथ को जज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इन द सेंस, कोई बिजनेस अगर हम बोल रहे हैं ना बहुत स्ट्रांग है, मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल तो है ही, ठीक है, साथ में उसके जो इनिशियल्स हैं, आप उसकी बैलेंस शीट वगैरह भी देख रहे हैं, ठीक है, तो वो बड़ी कॉन्क्रीट है। मतलब ऐसा स्ट्रांग बिजनेस उस सेंस में होता है कि अगर आपको थोड़ा मोटा लॉस हो रहा है ना, तो भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो स्ट्रांग बिजनेस है। और धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हैं, लॉस को कम करें, प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मानिए आप एक ऐसा बिजनेस चलाते हैं कि पहले साल ही लॉस हुआ और आपको शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मे बी आपका फंड्स प्रॉपरली मैनेज नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो भी रीज़न हो, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट अ स्ट्रांग बिजनेस। तो अगर हम देखते हैं कोई बिजनेस हाउस, ठीक है, और हमको पता चलता है कि इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है दैट इज़ 2000 यूनिट्स, ठीक है, और ये जो प्रोडक्शन कर रहा है दैट इज़ 1 लाख यूनिट, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि ये स्ट्रांग बिजनेस है ना। ब्रेक इवन यानी 2000 यूनिट पे इसको नो प्रॉफिट नो लॉस है, और ये जो प्रोडक्शन कर रहा है जितने लेवल का दैट इज़ 1 लाख, तो ऑटोमेटिक दिमाग में ही आएगा कि नहीं भाई स्ट्रांग बिजनेस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो भी हम जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन, सॉरी विद द हेल्प ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 98,000 यूनिट्स है, तो बहुत लंबा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसमें थोड़ा मोड़ा कहने का मतलब है कि ये जो इतना यहाँ पे गैप है 98,000 यूनिट्स का, ठीक है, तो अगर इसमें फ्लक्चुएशन भी होता है इस एरिया में थोड़ा ऊपर नीचे, तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा या बिजनेस को लॉस होगा। बिजनेस में फ्लक्चुएशन जो है वो सर्वाइव कर सकता है, दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम बोलते हैं इट एक्ट्स अ कुशन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्वियसली इट्स अ कुशन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्वेश्चन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये एक बैरियर है या एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट कर रहा है बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमको पता है, ठीक है, ये मानिए वो लाइन है कि आप अगर 2500, ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, मतलब आपको ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, ठीक है। और इससे कम आपको पता है अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप लॉस में जाते हैं, और इससे ज़्यादा अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप प्रॉफिट में जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना कहीं एक क्वेश्चन की तरह एक्ट कर रहा है, और आप हमेशा बिजनेस में हर पल यही ट्राई कर रहे हैं कि आपको इससे नीचे नहीं आना पड़े, आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्ट एज अ क्वेश्चन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिग्निफिकेंस है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कैन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बी इम्प्रूव, ठीक है, मतलब हम अपने बिजनेस की मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे बढ़ा सकते। बढ़ा सकते का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि मेरे ब्रेक इवन पॉइंट और मेरा जो भी एक्चुअल हम सेल कर रहे हैं ना, उसके बीच में बहुत डिफरेंस हो। हर बिजनेस यही चाहता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, और ये डिफरेंस बढ़ता ही जाए, हमें हमेशा इससे ऊपर 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 जाते जाएँ। तो हम जितना ऊपर 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 जाते जाएंगे, मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ज़्यादा हो पाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्रूविंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मतलब आप अपने एक्चुअल सेल्स को अपने ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स से कितना ऊपर लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो अभी तो थियोरिटिकली हम लिखेंगे 4-5 पॉइंट्स, और उसके बाद जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैथमेटिकल डिवाइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तब आपको खुद ही वो एक कॉन्सेप्ट माइंड में आएगा कि देखिए हाँ यहाँ लिखे थे ना ये वेरिएबल कम होना चाहिए, तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। तो फिर उसको प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज What are the ways in which margin of safety can be improved? ठीक है, next topic है ways to improve margin of safety अब जितने भी पॉइंट हो एरो मैंने बना दिए, अब हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो
हम क्या क्या करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव करने का मतलब क्या होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, कि आप अपनी एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स से कितना ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जितना ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे दैट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पहला है बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप जो उत्पादन कर रहे हैं उत्पादन दर को, रेट ऑफ प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे अभी। अगला है बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, by increasing the selling price. Next is by reducing fixed cost. By reducing fixed cost. Next is by reducing variable cost. यानी आपकी जो भी परिवर्तनीय लागत है उसको घटा के, और आपकी जो भी निश्चित लागत है उसको घटा के। एंड लास्ट इज बाय सब्स्टिट्यूटिंग कंट्रीब्यूशन बाय चेंजिंग द सेल्स मिक्स और बाय ड्रॉपिंग अनफेवरेबल प्रोडक्ट्स, बाय ड्रॉपिंग अनफेवरेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखिए आप अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, आप 10,000 यूनिट करते हैं, अब आप 20,000 यूनिट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर है बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, जब आप अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो नेट इनकम आपकी आती है, जो आपका सेल्स रेवेन्यू आता है, ठीक है, जो आप सामान को बेच के पैसा कमाते हैं वो बढ़ जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज़ के टर्म्स में है तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाता है। अगर आप अपनी जो भी निश्चित लागत है यानी फिक्स्ड कॉस्ट है वो घटा लें तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी किसी चीज़ को बनाने की लागत कम हो जाती है, मानिए सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि पहले किसी चीज़ को बनाने की जो लागत आ रही थी वो थी 8 रुपये। ठीक है, ये इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आप अपना वेरिएबल कॉस्ट कम कर लेते हैं या फिर आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट कम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो मानिए पहले आपको इस सामान को बनाने की कुल लागत जो आ रही थी दैट वाज 8 रुपीज। ठीक है, तो आप इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के मार्केट में 10 रुपए में बेच रहे थे, ये आपका प्रॉफिट था, मार्जिन था। अभी क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों 1-1 रुपए कम होता हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 6 रुपए हो जाता है। तो अब आप देखिए कि अब आप 10 रुपए में अगर आप बेचेंगे तो आप 4 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को भी घटा के जब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेल्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा मेरा, तो ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज बाय ड्रॉपिंग अनफेवरेबल प्रोडक्ट या सेल्स मिक्स चेंज करके। सेल्स मिक्स का मतलब थोड़ा सा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मानिए हम लोग को एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है टोयोटा, ठीक है, ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक्सयूवी जो कार होती है वो बनाते हैं, सेडान्स बनाते हैं, और पिकअप जो कार्स या वैन्स होती हैं वो बनाते हैं। तो ये उनका प्रोडक्ट लाइन है कि इतने तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल उनको ऐसे मार्केट रिसर्च से पता चलता है कि उनका इनमें से तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे द पिकअप प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं, वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लोग उसको परचेज नहीं कर रहे हैं, उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत लॉस जा रहा है। ठीक है, तो एक भी सेगमेंट में लॉस जा रहा है तो वो आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करता है। तो मे भी वो बोलें कि भाई ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हम ड्रॉप करेंगे, मतलब तो इसको अब नहीं बनाते हैं क्योंकि ये लॉस दे रहा है। ठीक है, बाकी पे फोकस करते हैं। तो आपका जो भी लॉस मेकिंग एरिया है या जो भी प्रोडक्ट लाइन में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है,
प्रॉफिट वाइज या मार्केट में बिक नहीं रहा है या जो भी रीज़न है जिसके वजह से आपके बिजनेस को लॉस इनकर करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको आप अपने प्रोडक्ट लाइन से एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं मार्केटिंग के टर्म्स में, कि जब आप उसको अपनी प्रोडक्ट लाइन से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, तो सेल्स मिक्स जो है कि मतलब आप मार्केट में क्या क्या बेच रहे हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये भी एक है, बाई ड्रॉपिंग द अनफेवरेबल प्रोडक्ट। अनफेवरेबल प्रोडक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई डेंजरस प्रोडक्ट है, लेकिन अनफेवरेबल इस सेंस से है कि वो जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस वजह से हम बोलते हैं कि वो अनफेवरेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है टू इम्प्रूव द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, होपफुली आप लोगों ने उतार लिया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब क्या है अलग अलग फार्मूला जिसके हेल्प से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नेक्स्ट हेडिंग इज असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसमें कुल जो है वो ऑलमोस्ट 4 फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, एक एक करके मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप लोग उतारिए और फिर जो है वो हम सवाल बनाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, कि क्या क्या सवाल हैं। तो इसमें भी वैसे ही है जैसे ब्रेक इवन में था ना, कि आप इकाई यानी कि यूनिट के टर्म में निकाल सकते हैं, आप रुपीज़ के टर्म में निकाल सकते हैं, तो इसमें भी है कि आप जो है वो यूनिट के टर्म में निकाल सकते हैं, रुपीज़ के टर्म में निकाल सकते हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशत में निकाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग है। तो पहला लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, कोई और पेन यूज करते हैं, ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स यानी कि इकाई के टर्म्स में आप कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हो सकता है यूनिट्स के टर्म में पूछे, हो सकता है मनी रुपीस के टर्म में पूछे। एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स, ये मैंने पहले भी लिखा था बोर्ड पे, एक्चुअल सेल्स ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। अगला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस, रुपए के टर्म में, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस के टर्म्स में, ठीक है, इसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स इन रुपीस माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस, एक्चुअल सेल्स इन रुपीस माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस। नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, प्रतिशत के टर्म्स में, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो भी आया है आपका, जैसे इन दोनों में हम लोगों ने किया था कि एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस पीपी सेल्स इन यूनिट्स, आपसे अगर परसेंटेज में पूछे तो सेम यही चीज आपको करना है, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट माइनस बीपी सेल्स इन यूनिट डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल फिगर होता है यानी कि एक्चुअल सेल्स इन 200, ठीक है। कल भी हम बता रहे थे कि किसी भी चीज़ को प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको इन 200 करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ईपी सेल्स बाय एक्चुअल सेल्स इन 200, एक्चुअल सेल्स माइनस ईपी सेल्स, ये क्या हो गया है, by actual sales into 100, ये overwrite हो गया, ठीक है, this is actual sales, ठीक है। अब अगर सवाल में actual sales rupees में दी हुई है तो आप इन दोनों को rupees मिलेंगे, यहाँ पे भी rupees मिलेंगे, अगर सवाल में units में दिया है तो आप units में लेंगे। basic formula percentage यानी कि प्रतिशत में जो है निकालने के लिए यही होगा। लास्ट वन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन, ठीक है,
हम बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि आप फॉर्मूला को कौन सा यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सूचना है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई सवाल है जहाँ पे प्रॉफिट के बारे में ठीक है जानकारी है और वहाँ पे आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो पहले तीन फार्मूलाज हैं या बेसिकली पहले दो फार्मूलाज हैं, वहाँ पे प्रॉफिट का कोई मेंशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है आपके फार्मूला में, तो ऑब्वियसली आप वो फार्मूलाज नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देन प्रॉफिट इज गिवेन इन रुपीज, आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड द फार्मूला इज प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ऑब्वियसली अगर एग्जाम में इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वहाँ पे प्रॉफिट और वॉल्यूम और बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हाउ विल यू कैलकुलेट द पीवी रेशियो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे आपको पीवी रेशियो ही नहीं आता ठीक है, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का, और सारे जो भी इसमें चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा इस तरह के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें बहुत सारी, मानिए कोई कॉन्सेप्ट है कि जिसमें बहुत सारा फार्मूला है, ठीक है, जैसे नेट हो या इसमें हो, मानिए स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, या स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारा फार्मूला है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी फार्मूला होता है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, ऐसा बहुत सारा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सारे फार्मूलाज जितने आपके सिलेबस में, वो एक पेपर में लिख के, ठीक है, प्रॉपर राइटिंग में पेपर में लिख के, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं, आपका जो भी स्टडी टेबल है, जो भी आपकी जगह है जहाँ आप पढ़ते हैं, उसको वहीं आसपास कहीं पे लगा लीजिए, ताकि उठते बैठते आते जाते जो है वो आपकी नज़र पड़े। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है चीज़ों को याद करने की, जहाँ पे आप लेके नहीं बैठते उसको कि आप उस मोटिव से लेके बैठे हैं कि भाई हमको तो रटना है, मगअप करना है, नहीं, आप उठते बैठते उस चीज़ को जब देखते हैं दिन भर में 8 बार 10 बार 12 बार, तो वो ऑटोमेटिकली इट सीप्स डाउन इनटू योर ब्रेन, आपको वो चीज़ याद हो जाती है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए। ठीक है, तो जिस भी चैप्टर में, कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो यू कैन यूज़ दिस टेक्निक, ये पेपर में लिख के आप उसको पेस्ट कर लीजिए और उसको पढ़िए। ठीक है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ये हमको भी मेरे किसी टीचर ने बताया था, एंड इट रियली वर्क्स। ठीक है, वहाँ पे जब हम लोग चीज़ें याद करते थे, ठीक है, वोकैबुलरी हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो ये वर्क करता था। ठीक है, ये वर्क करेगा 100%। लेकिन आप किसी ऐसी जगह भी मत लगा दीजिएगा जहाँ आप दिन भर में जाते ही नहीं, तो इसलिए बोला जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, उठते बैठते देखते हैं जिस जगह को, वहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू लर्न, आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं।